हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव खत्म हुआ, लेकिन इसी के साथ अब झारखंड में चुनावी बिगुल बज चुका है। इंतजार के बीच अब चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग की ओर से की जा चुकी है। झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2020 को खत्म होगा और उससे पहले चुनाव आयोग की ओर से तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। एक राष्ट्र एक चुनाव न हो तो हर चुनाव में कोई न कोई त्योहार जरूर फंसता है। हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में दिवाली फंसी तो अब झारखंड के चुनाव में क्रिसमस फंस गया। यानी उस समय यह था कि किसकी दिवाली होगी, किसका दिवाला, अब ये सवाल रहेगा कि आखिर क्रिसमस किसका मनेगा। 30 नवंबर से 20 दिसंबर के बीच 5 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण का मतदान 30 नवंबर को 13 सीटों पर होगा, दूसरे चरण का मतदान 7 दिसंबर को 20 सीटों पर होगा। वहीं तीसरे चरण का चुनाव 12 दिसंबर को 17 सीटों पर होगा तो चौथे चरण का मतदान 16 दिसंबर को 15 सीटों पर होगा। पांचवें चरण के लिए वोटिंग 20 दिसंबर को 16 सीटों पर होगी। पांचों चरण के मतदान के बाद 23 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी, यानी कि 23 नवंबर को तय हो जाएगा कि झारखंड की रघुवर दास सरकार पर जनता ने विश्वास जताया है या फिर नहीं। डेट ऑफ इश्यू ऑफ नोटिफिकेशन 6 नवंबर, लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशन 13 नवंबर, डेट ऑफ स्क्रूटनी 14 नवंबर, लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल 16 नवंबर, डेट ऑफ पोल 30 नवंबर, लास्ट डेट ऑफ काउंटिंग 23 दिसंबर। झारखंड में साल 2014 विधानसभा चुनाव की स्थिति की बात करें तो भाजपा के पास 37 सीटें हैं जिसका वोट प्रतिशत 31.8% है। वहीं आजसू के पास 5 सीटें हैं जिसका वोट प्रतिशत 3.7% है। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि झामुमो के पास 13 सीटें हैं जिसका वोट प्रतिशत 20.8% है। झाविमो के पास 8 सीटें हैं जिसका वोट प्रतिशत 10.2% है। कांग्रेस के पास कुल 6 सीटें हैं जिसका वोट प्रतिशत कुल 10.6% है। वहीं अन्य के पास 6 सीटें हैं जिसका वोट प्रतिशत कुल 22.9% है। भारतीय जनता पार्टी झारखंड यूनिट पिछले साल भर से चुनाव की तैयारी में जुटी है। मैं स्वयं पिछले 2 माह से लगातार बूथ स्तर तक की तैयारियों का जायजा लिया है। इसी 5 तारीख से मेरा परिमंडल तक प्रवास है। चुनाव की जो हमें 2 हिस्सों में बांटता हूँ, टेक्निकल और पॉलिटिकल, तो टेक्निकल जितना भी काम होता है जो संगठन को करना होता हम पूरी तैयारी से तैयार है क्योंकि हमको जानकारी थी। झारखंड में कुल 81 विधानसभा सीटें हैं और इन 81 विधानसभा सीटों वाले झारखंड राज्य में बहुमत के लिए कुल 41 सीटों की जरूरत पड़ेगी। फिलहाल राज्य में बीजेपी आजसू की गठबंधन सरकार है तो वहीं भाजपा के खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद और वाम दल इकट्ठे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।